मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सारा सारा स्पीडेनियल आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। और आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से मजमून नंबर 18 की आखिरी 15 आयत पढ़ेंगे। यूं लिखा है, तूने मेरे नीचे मेरे कदम खुशादा कर दिए और मेरे पांव नहीं फिसले। मैं अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको जा लूंगा और जब तक फना ना हो जाए वापस नहीं आऊंगा। मैं उनको ऐसा छेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे, वो मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे। क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया और मेरे मुखालफों को मेरे सामने जेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने दुहाई दी पर कोई ना था जो बचाए। खुदावंद को भी पुकारा पर उसने उनको जवाब न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर हवा में उड़ती हुई गर्द की मानित कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरह निकाल फेंका। तूने मुझे कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे कौमों का सरदार बनाया। जिस कौम से मैं वाकफ भी नहीं वो मेरी मुती होगी। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी फरमा बरदारी करेंगे। परदेसी मेरे ताबे हो जाएंगे, परदेसी मुरझा जाएंगे, वो अपने कलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो और मेरा नजात देने वाला खुदा मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे सामने जेर करता है। वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है बल्कि तू मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तंदुखो आदमी से रहाई देता है। इसलिए ऐ खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूँगा। वो अपने बादशाह को बड़ी नजात अनायत करता है और अपने ममसूद दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। आमीन।